क्या आपको पता है कि चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी हुई रहती है? इस वीडियो में आप 8 ऐसे गजब फैक्ट को जानोगे जिसे जानकर आप कहेंगे नॉट बैड मैन, नॉट बैड। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली घंटी को दबा दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियो आप लोगों को आसान। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अगर 100 अमीर लोग एक साल में जितना कमा लेते हैं, अगर वो सभी लोग मिलकर एक साथ इस दुनिया की गरीबी को मिटाए तो वो इस दुनिया की गरीबी को 4 बार तक मिटा सकती है। यानी कि वो इतना कमा लेते हैं एक साल में कि वो पूरी दुनिया की गरीबी को 4 बार तक ख़त्म कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, इस इंग्लिश वर्ड को ध्यान से देखिए, यह आपको देखने में काफ़ी छोटी लग रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस इंग्लिश वर्ड से आप कितने वर्ड बना सकते हैं? नहीं ना, तो स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, इस छोटी सी इंग्लिश वर्ड से आप 10 इंग्लिश वर्ड आसानी से बना सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में इतनी सारी वेबसाइट है, अगर आप हर वेबसाइट को एक एक मिनट का टाइम देकर चेक करते हैं तो आपको सभी वेबसाइट को चेक करने में 31,000 साल लग जाएंगे। क्योंकि अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे सभी तरह की वेबसाइट मिलेगी, छोटी हो या बड़ी, शॉपिंग की वेबसाइट हो या फिर ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो, आपको हर तरह की वेबसाइट जो है देखने को मिलेगी। और रोज़ नए नए वेबसाइट जो है खुल रहे हैं और हर तरह की वेबसाइट जो है अपनी अलग अलग एक पहचान बना रहा है, इसीलिए वेबसाइट इतनी ज़्यादा मात्रा में तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप हर वेबसाइट को चेक करेंगे तो लगभग 31,000 साल आपको सिर्फ एक एक मिनट चेक करने में लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, इस बात को तो प्रायः सभी लोग जानते हैं कि टाइटैनिक दुनिया की सबसे बड़ी जहाज थी। अगर इस जहाज को सीधा खड़ा कर दिया जाए, यानी कि अगर सीधा इसे खड़ा कर दिया जाए ज़मीन पर लाकर, तो यह अपने समय का सबसे बड़ा इमारत होती। इसकी ऊंचाई 261 मीटर थी। टाइटैनिक जहाज़ की चिमनियाँ इतनी बड़ी थी कि इसमें 2 ट्रेनें आसानी से गुजर सकती थी। यह इतनी बड़ी जहाज़ थी कि इसके ऊपर 3 खेल के मैदान भी शामिल थे। अगर यह जहाज़ समुद्र में नहीं डूबती तो यह इस समय सबसे बड़ी जहाज़ होती। फैक्ट नंबर 4, एक लेड पेंसिल, सिर्फ एक लेड पेंसिल से आप 35 किलोमीटर दूरी तक एक रेखा खींच सकते हैं और इस लेड पेंसिल से आप 50,000 शब्द लिख सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक सिंगल लेड पेंसिल से इतनी सारी चीज़ें लिखी जा सकती है और इतनी लंबी रेखा खींची जा सकती है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक छोटी सी लेड पेंसिल में बहुत जान होती है, इसीलिए कहा जाता है किसी भी छोटे चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, ये बात जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि महिलाएं अपनी पूरी ज़िंदगी की एक साल लगभग यह सोचने में और तय करने में गुजार देती है कि आज मुझे क्या पहनना है। यानी कि अगर वो रोज़ 2 मिनट ही सोचती है कि मुझे क्या पहनना है, तो उसकी सारी ज़िंदगी की लगभग एक साल सिर्फ यह सोचने में टाइम चली जाती है कि मुझे आज क्या पहनना है, क्योंकि कपड़ों के बारे में महिलाएं जल्दी डिसीजन नहीं लेती है। फैक्ट नंबर 2, इस फैक्ट को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कोका कोला यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले इसे ग्लासों में बेचा जाता था। कोका कोला की वेबसाइट के अनुसार इसे सबसे पहले अमेरिका के अटलांटा में प्रतिदिन 9 ग्लास औसत बेचा जाता था। लोग जब इसे धीरे धीरे पसंद करने लगे तो कोका कोला को लगा इसे ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 1894 से इसे बोतल में बेचना शुरू किया, जिससे इसकी लुक थोड़ी अच्छी हो गई और लोग इसे बहुत ही शौक से पीते हैं। और आज कोका कोला पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ब्रांड के रूप में गिना जाता है। फैक्ट नंबर 1, चिप्स तो इंसान बहुत सारे खाए हैं, चाहे वो दुकान से खरीद कर या घरों में बनाकर खाए हैं, लेकिन इस चिप्स के पैकेट को आप कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे और ख़रीद कर ज़रूर खाए होंगे। क्या आपको पता है कि इस चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी हुई रहती है?
अगर आप एक नॉर्मल चिप्स के पैकेट खरीदते हैं तो उसमें कम हवा भरी रहती है, लेकिन आप अगर इस प्रकार के चिप्स के पैकेट खरीदते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हवा भरी हुई रहती है और उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हवा भर देने के बाद चिप्स बिल्कुल सेफ रहती है। हवा भर देने के बाद ये चिप्स के पैकेट बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, यानी कि इसके अंदर जो चिप्स भरी हुई रहती है वो टूटती नहीं है, जिससे कंपनीज को कम नुकसान होती है।